थी वो, नहीं कर रहे हैं छोटी में। ये बहुत इनके अच्छा नाम बेटे मेरे मुख्य राम साहब बड़े बेटे तो वही थे कहा राम ने नहीं बने, ये थे, ये हमसे पहले थे, चले गए थे, मैं जब आया था ना। अच्छा दफा एक ही उनकी सारे सारे के सारे बच्चों पे मैं होता रहा हूँ उस्ताद। उनमें से एक तो पहले तो हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस हैं, ये तीन भाई थे, ये तीनों मेरे शागिर्द थे। एक तो वफ़ौत हो गए हुए हैं जो चिपकोट में थे, तो इदरीस और दूसरे ये मफूर साहब और ये हुजूर हैं। तो इसी तरह ये जो मीर महमूद अहमद साहब के बच्चे भी सारे मेरे शागिर्द थे। वहाँ एक थे ये सफीउल्ला रजीउल्ला वगैरह, नजीबुल्ला और समीउल्ला, ये चार भाई थे, ये भी मेरे शागिर्द थे। याद है आपको? किनका किसका नहीं साहब, ये हाँ मुबारक साहब की इसमें नजर नहीं आ रही। नहीं इससे आगे, फिर लेफ्ट नहीं, ये तो अगली आ गई, इससे पिछले जाए, जब पिछले पे या नहीं हाँ इसका। अगर राइट साइड पे हैं, मतलब के सबसे बड़े मुबारक अंसारी हैं, उनसे छोटे हैं रफीक साकब साहब, वो राइट साइड पे हैं, देखिए और तस्वीर नहीं उसके आ रही बाद आपकी, ये तस्वीर जो दिखाना चाहते हैं वो तस्वीर नजर नहीं आ रही। आ रही है, नहीं और हमें उसके नजर बाद नहीं आ ये रही। जो उसके आप बाद ये जो पहले शूट पेज पे में जाएंगे फिर आएगी। हैं, दूसरे नंबर पे राइट साइड से ये मुनीर अहमद मुनीर हैं, और उसके बाद मुबारक अंसारी खुद हैं, और लेफ्ट साइड पे डॉक्टर लईक अहमद अंसारी। ये चारों भाई हैं, ये 1989 में लंदन में जब जुबली का जलसा हुआ था, ये हाँ उस जी, वहां पे फोटो खींची गई थी। तो ये है जिस केस में सारे बहुत हो चुके हैं, ये आखिर में आखिरी लाइन में दरमियान में मैं हूं। एक हाँ आपको तो पता है मिर्जा मुनव्वर अहमद साहब भी कॉलेज ये स्टाफ में रहे हैं, जी, वो बायोलॉजी के प्रोफेसर कहलाते थे। मेरे हाँ जी साथ पढ़ाया वो तो नहीं उन्होंने? नहीं, मैंने मेरे शागिर्द वो रहे हैं, वो मुनव्वर उन्होंने अहमद साहब तो नहीं आते, शागिर्द रहे। कौन मुबशर रहा होगा इनका बेटा। मियाँ मुनव्वर अहमद साहब कहते, वो मियाँ तो मुनव्वर अहमद साहब। मैंने वो भी थे मेरे शागिर्द डॉक्टर मुबशर अहमद। हाँ नहीं वो तो नहीं, ओके मैं मियाँ मुनव्वर बता की मुझे एक अवार्ड अवार्ड मिला था, ये कैंडा पीछे का पकड़ है। जी। सिसानी को तो सब पहचानते हाँ हैं। जी हाँ फिर आगे अख्वान अब्दुल जी कादर, अख्वान मोहम्मद अब्दुल हाँ कादर, ये वाइस प्रिंसिपल भी मिर्जा कादियान में ही है, वाइस प्रिंसिपल बन गए थे। नहीं असल में हमारे कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल कोई रहा ही नहीं, लेकिन जब जो जो हजरत सरकारी खलीफतुल तौर पर मसीह, जो है जो है वो सीनियर मोस्ट थे, ये हाँ पहले वहां स्कूल के हेड मास्टर थे। हाँ ना ठीक है, वो तो मुझे पता, मेरे जी उस्ताद भी रहे उस वक्त स्कूल में। फिर हाँ जी सूरी साहब को तो पहचानते हैं। हाँ जी थोड़ा सा इसको करें। खालिद साहब, हाँ आगे खालिद साहब नहीं, है वो इब्राहिम नासिर साहब हाँ जी हैं वो हाँ जिनका आपने जी जिक्र किया था भी है। जी जी मेरे हिसाब मीर थे, मोहम्मद और याकूब इनका नाम था, ये एमडी नहीं थे लेकिन हाँ बड़े जी ही मुखलिस, लाहौर हाँ से जी रबाबी शिफ्ट हुए, एफसी बाद में ये एफ सी कॉलेज के कॉलेज में प्रिंसिपल चले गए। फिर थे। डॉक्टर नसीर खान साहब, फिर हाँ जी
मिर्जा मुनव्वर अहमद साहब, हाँ जी फिर हबीबुल्ला खान साहब, हबीबुल्ला खान साहब, ये यंग आदमी कौन, शाहिद साहब, शाहिद साहब, सुल्तान महमूद शाहिद साहब, शायद फिर ये मिर्जा मजीद अहमद साहब, फिर आसिफ साहब। पिछले किदार में जो थे मेरे वाली में, इसमें बदो मलवी साहब हैं, मौली गुलाम गुलाम अहमद बदो मलवी, आगे लतीफ साहब, कुमासी में ये जज्बात चले गए थे, ये आगे खाकसार है, आगे मेरे साथ रहे हैं, ये छठी में मास्टर फलदा अंग्रेजी पढ़ाते रहे हमें, आगे ये जफर जफर मैस हैं, जफर मैस साहब इसको दूसरी तरफ कर रहे थे, जफर मैस ये है मौली मोहम्मद दीन साहब, ये लाइब्रेरियन भी रहे हैं और भी लाइब्रेरियन थे, ये फिर बाद में इस्लामियात भी पढ़ाते रहे, इस्लामिया भी पढ़ाते रहे हैं, जब महफूज साहब बन गए थे लाइब्रेरी, जब इन्होंने कर लिया था वो इस्लामियात में एमए, और ये टोटल स्टाफ था जिस दिन इफ्तिताह हुआ है रब्बा में कॉलेज में, ये फोटोग्राफर था वहाँ बहुत मशहूर था, नाम नहीं मुझे याद रहा, वो पंजाब फोटोग्राफर वाला नहीं, लाहौर से आता था, हाँ जी वो खलीफतुल्लाह सालस का फेवरेट फोटोग्राफर, हाँ जी इस इफ्तिताही तकरीब में नजम मैंने पढ़ी थी, माशाल्लाह जी जी, नहीं साहब इससे पहले एक कॉन्वोकेशन का फोटो भी है, हाँ जी ये भी है, इसमें कहें तो मैं बताता था, बैठे हुए जो नीचे हैं वो पहले डॉक्टर बशारत अहमद, ये जो थे मास्टर नजीर हुसैन साहब के बेटे थे और पोते थे हकीम मरम ईसा साहब के, आगे ये जो हमारे थे मफूजुर रहमान साहब हैं, आगे जो है वो करीम अहमद नईम, ये इनके बेटे अमेरिका में हैं आजकल, अब तो रिटायर हो गए हैं, वो किसी एयर कंपनी में थे, अच्छे ऑफिसर थे, तो उसके आगे जमील चौकाई हैं, और उसके आगे सईदुल्ला खान हैं, उसके आगे आतिफ साहब हैं, उसके आगे नूरुद्दीन है, और बंगाली नहीं थे नूरुद्दीन और रहमत दीन जो थे भाई थे, गुलाम अहमद साहब क्रियाम के साहबी थे, वो उनके बेटे हैं, और उसके आगे कमांडर असलम साहब हैं, ये भी मेरे उस्ताद नहीं साथी रहे हैं। अच्छा फिर पिछली कतार जो है खड़ी, उसमें पहले जो है वो उनका नाम मुबशर अहमद है, ये मलक गुलाम फरीद साहब जिन्होंने कमेंट्री लिखी हुई है, ये उनके बेटे हैं, ये इस पिछले साल ही कई या दो साल लोग होंगे उस वक्त फौत हुए हैं, इसके आगे वो ख्वाजा मंजूर हैं, और उसके आगे मोहम्मद इलियास हैं, ये भी फौज में थे, तो ये भी फौत हो चुके हैं सारे, ये भी सारे तकरीबन फौत हो चुके हैं, आगे जो है वो अबू जफर इस्माइल थे, वो इधर बिहार के रहने वाले, फिर आगे हैं मुश्ताक अहमद शायद, और आगे जो एक है वो इंग्लिश ओनली का आया था, वो गैर अहमदी है, पता नहीं उसका नाम नहीं मैं पता, उसके आगे जस्टिस एस ए रहमान है, उसके आगे हजरत खलीफतुल मसीह सालिस हैं, और उसके आगे मोहम्मद सईद अहमद हैं, उसके आगे वो शायर थे कसरानी, कसरानी 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 जी, वो बैंक कमांडर हो गए थे, फिर आगे खुर्शीद अनवर थे, ये नारोवाल में वकील थे, हाँ जी, और
कैसरानी के बाद कौन थे ये? इसके बाद कैसरानी, वो कैसरानी तो वो थे, खुर्शीद अनवर इनका नाम था, इनके वालिद का नाम अब्दुल रहमान था, वो टीचर थे कहीं बाहर सरकारी स्कूलों में, तो आगे फिर मैं। आपकी मेमोरी वंडरफुल है, मैं अपने क्लास के अगर कहो तो मुझे सारे याद भी ना हो नाम, लेकिन आपको हर एक का नाम खुदा के फजल से याद है। उनके एनवायरनमेंट का भी मुझे पता है, अक्सर भी था सब। ये शायक साहब भी कनाडा में फौत हुए, क्लास फेलो भी हो गए। अरे एक लोकैलिटी में मेरा चल रहे हैं जी, और आपके बेटे इधर मिसाइल में थे, वहां अक्सर मुलाकात होती है। माशाल्लाह इस उम्र में साइकिल चला रहे होते और साइकिल चलाते। हाँ जी, साइकिल ही चलाया है और कुछ नहीं चलाया। आपका तारफ करवा दूं बहुत से दोस्तों को, कर्नल राजा असलम है ये, कोई इनकी तबीयत के लिहाज से कह नहीं सकता कि कर्नल है, इंतहाई ह्यूमिलिटी है, इंकसार है। हालांकि ये जनरल मुशर्रफ को परेड भी कराते रहे। हाँ जी, और ये इनके क्लास फेलो थे परवाजी साहब, लेकिन ये सीनियर थे, ये काफी परवाजी बाद में आए, ये तो मेरे से भी सीनियर थे। अच्छा, ये मुझे ये नहीं, ये और ये हर गेम खेलते थे। हाँ, मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी गेम हो जो इन्होंने नहीं खेली हो, उसकी वजह से इनका घोड़ा अभी तक खराब है। कर्नल साहब का फोटो फिर गायब कर दिया। अब ये मेरे भांजे हैं मुनीरुल्लाह, शायद ये जो अब तस्वीर दिखाई थी। असलम राजा साहब के छोटे भाई अशरफ हमारा क्लास फेलो साहब मुनीरुल हक शाहिद का 1962 में कॉलेज में। अरे वो बहुत अच्छे हैं जी, आप ही ने बताया था मुझे, अफसोसनाक खबर। मुनीरुल हक, मुनीरुल हक आपने दाढ़ी रख ली, मैंने मुश्किल से पहचाना आपको। साहब आपकी एसोसिएशन का क्या बना, वो तो सो गई, अभी तो ख्वाब गफलत ही है यहाँ तो। ये मुझे बड़ा दुख होता है जी, मुझे भी, मैंने बड़ी थोड़ी याद दहानी करवाई है, आपको कोई असर नहीं। आपको क्यों उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने एक देखे परमानेंट मेंबरशिप ली थी, और जो इन्होंने कहा था मैंने परमानेंट मेंबरशिप, बिल्कुल आप परमानेंट मेंबर हैं, उसका रिसाले में मैंने शायद कर दिया था नाम आपका, कनाडा से आप परमानेंट मेंबर हैं। हाँ परमानेंट, और मैंने पेमेंट की थी पूरे जो उन्होंने जी जी बिल्कुल, यहाँ मुझे कोई भी उसका वाली वार्स नहीं, बस तवज्जो